साहिबान, मेहरबान, कदरदार, दिल थाम के बैठिए। आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं गोरखपुर का बेटा, टीवी का सुपरस्टार, सोम ओपेरा के बादशाह, जमाई राजा और रामायण के लक्ष्मण। देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। इनको तो आप जानते ही होंगे, ये है जमाई राजा, हमारा मतलब है रवि दुबे। लेकिन अब इनकी पहचान जमाई राजा से नहीं बल्कि नितेश तिवारी की फिल्म रामायण से होगी। हाँ भाई हाँ, रामायण का लक्ष्मण मिल गया और ये और कोई नहीं बल्कि टीवी के स्टार रवि दुबे है। रिमेम्बर, जमाई राजा, खतरों के खिलाड़ी और कई रियलिटी शोज के होस्ट। जी हाँ, नितेश तिवारी की मच अवेटेड फिल्म रामायण में जहाँ रणवीर को राम के किरदार के लिए चुना गया है, वहीं लक्ष्मण के किरदार के लिए काफी महीनों से तलाश चल रही थी। लेकिन अब ये तलाश रवि दुबे पर आकर खत्म हो गई। रवि दुबे अब निभाएंगे रणवीर कपूर यानी कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण का किरदार। भाई, रवि दुबे की तो लॉटरी लग गई, टीवी और रियलिटी शो से सीधा इतनी बड़ी फिल्म हाथ जो लगी है। वैसे नितेश का ये डिसीजन काफी मस्त निकला, लक्ष्मण के लिए उन्होंने एकदम सही इंसान को चुना है। इनकी शक्ल भी हल्की फुल्की रणवीर से मिलती है और ये थोड़े चुलबुले भी हैं, साथ ही रवि की हिंदी भी काफी अच्छी है। ऐसे में लक्ष्मण के किरदार के लिए इनसे बेहतर भला कौन कर सकता था। जैसे ही खबर मीडिया में उछली, चारों तरफ खलबली मच गई। हालांकि रवि ने अभी इस चीज को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं दी है, पर वो कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं नहीं होता। अब इतने एक्टर्स के बीच में रवि का नाम आया है तो जरूर कुछ ना कुछ बात तो होगी ही। अगर ये खबर वाकई में सच है तो रवि के लिए उनकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये होगा, साथ ही उनको इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करने का मौका भी मिलेगा। भाई, लक्ष्मण तो मिल गए, अब और कौन से किरदार के लिए किस किस को अप्रोच किया गया है, इसको तो अभी नितेश ने सीक्रेट ही रखा हुआ है। पर अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद दिला दे कि इस मल्टी स्टारर फिल्म में कौन कौन से अभिनेताओं को क्या क्या रोल मिला है। रावण के लिए साउथ के सुपरस्टार यश को लिया गया है, रणबीर कपूर को इस फिल्म में राम का किरदार मिला है, सीता के लिए साई पल्लवी को चुना गया है, हनुमान के लिए सनी देओल, दशरथ के लिए अरुण गोविल, कैकई के लिए लारा दत्ता, विजय सेतुपति, विभीषण, बॉबी देओल बनेंगे कुंभकरण। इन सब बड़े बड़े सुपरस्टार्स के बीच रवि दुबे ने लक्ष्मण के रोल के लिए बाजी मार ली है। हालांकि इस रोल के लिए रवि को पैसे कितने मिलेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन इस फिल्म के साथ जुड़ना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। अब रावण को 150 करोड़ में लाया गया है, ऐसे में 25 से 30 करोड़ तो शायद रवि को दे ही सकते हैं। मौजूद स्टार कास्ट तो पूरी हो चुकी है, ऐसे में अब इन लोगों की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। तो अब अगर रवि दुबे भी रोज ट्रेनिंग के लिए जाते दिखे तो समझ जाइए कि खबर पक्की है। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।